जय जिनेंद्र, नमस्कार। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि देखो सुदामा गरीब आ रहा है। जी हाँ, आपने सही गेस किया, हम जा रहे हैं द्वारका। आज हम द्वारका में देखेंगे 2500 साल पुराना रुक्मणी मंदिर, भेट द्वारका, वह भी एकदम नए बने सुदर्शन सेतु से जो आपका काफी समय बचाता है, गोपी तालाब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, द्वारकाधीश मंदिर और द्वारिका निमिजन तीर्थ। इस जगह से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग कहानी भी बताऊंगा। नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं राकेश जैन और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। जैसे ही हम द्वारका पहुंचे, सबसे पहला काम था ऑटो ढूंढने का जो हमें द्वारका घुमा सके। हम 10 लोग सवार हो गए इस ऑटो में। ऑटो का कितना लगा सब बताता हूँ। लगभग 3 बजे हमने यह सफर शुरू किया था। द्वारका मंदिर हम बाद में जाएंगे, तो पहुंच रहे हैं सबसे पहले रुक्मणी मंदिर। कहते हैं यह मंदिर भी लगभग 2500 साल पुराना है। रुक्मणी जी की पूजा द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण की अन्य पत्नियों के साथ नहीं, बल्कि पूरी तरह से उनके लिए समर्पित इस रुक्मणी मंदिर में की जाती है। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है इसके पीछे। बहुत समय पहले की बात है, ऋषि दुर्वासा द्वारका इस शर्त पर आने को तैयार हुए कि रथ को सिर्फ कृष्ण और रुक्मणी खींचेंगे। कृष्ण और रुक्मणी इसके लिए सहमत हो गए। द्वारका पहुंचने से ठीक पहले रुक्मणी को बहुत प्यास लगी। भगवान कृष्ण ने उनकी प्यास बुझाने के लिए जमीन पर अपना पैर से प्रहार किया और गंगा का पानी बहने लगा। प्यासी रुक्मणी ने दुर्वासा को पानी दिए बिना ही पहले अपनी प्यास बुझाई। इससे ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और रुक्मणी को श्राप दिया कि वह अपने पति से अलग हो जाएंगी। इसीलिए यह मंदिर एक बहुत ही सूखी जमीन पर स्थित है, इसीलिए इस मंदिर में जल दान भी दिया जाता है। कहते हैं यदि आप रुक्मणी मंदिर में पूजा नहीं करते हैं तो आपकी द्वारका की तीर्थ यात्रा अधूरी है। मंदिर की कार्विंग्स और आर्किटेक्चर तो जोरदार है। मंदिर में काफी भीड़ थी। सबसे अच्छी बात, यहां बैचेस में आपको मंदिर के अंदर छोड़ रहे थे, तो 10 से 20 मिनट के अंदर हमारे दर्शन हो गए। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि देखो सुदामा गरीब आ रहा है, कि देखो सुदामा गरीब आ रहा है। इस गाने से शायद आप गेस कर लिए होंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की। जी हाँ, हम जा रहे हैं भेट द्वारका। रुक्मणी मंदिर से भेट द्वारका करीब 32 किलोमीटर है। यह राजदूत गाड़ी देख दिल खुश हो गया। शायद 20 या 25 साल बाद देख रहा हूँ इस गाड़ी को। अगली बार जब मेरी वाइफ के साथ यहाँ आऊँगा तब इसमें सफ़र जरूर करूँगा। द्वारका की सड़कें वाकई में सुपर थी। हंसी मजाक करते मज़ा आ गया इस सफ़र का। इन बोट्स को देखिएगा। पहले बेट द्वारका सिर्फ इन नाव के द्वारा ही जाया जा सकता था। ओखा पोर्ट इधर ही है और यारा सुदर्शन ब्रिज जो कुछ ही दिनों पहले खुला है। यह बेट द्वारका को जोड़ता है। आपका सफर बस आप कुछ ही मिनटों में तय हो जाता है। अगर आप नाव से आते तो टिकट लेना, लाइन में खड़े रहना, मिनिमम आपका 2 से 3 घंटे का समय वेस्ट हो जाता है। हमारे पास समय कम था तो यह ब्रिज हमारे लिए एक वरदान सा साबित हुआ, वरना द्वारका में काफी चीजें देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। सुदर्शन सेतु देश का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है, तो इसीलिए इस ब्रिज से जाने की एक अलग ही खुशी थी। तो हम जा रहे हैं भेट द्वारका की तरफ। भीड़ काफी दिख रही है।
मोबाइल आपको यहीं पे डिपॉजिट करना पड़ता है और इसका चार्जेस है 5 रुपए प्रति मोबाइल। यहाँ पर पहले मोबाइल जमा कराते हैं। द्वारका शहर मुख्य भूमि पर है जबकि भेट द्वारका एक द्वीप पर है। द्वारका वह स्थान था जहाँ भगवान कृष्ण का राजमहल था जबकि भेट द्वारका उनके आवासीय महल का स्थान था। यह द्वीप वह स्थान है जहाँ गरीब सुदामा ने कृष्ण भगवान को चावल के कुछ दाने दिए थे उपहार या भेंट के स्वरूप। तब से इस जगह का नाम भेट द्वारका पड़ा, इसीलिए यहाँ चावल भी चढ़ाया जाता है मंदिर में। देखिए हम लोग यहाँ पे करीब 5 बजे आए और अभी करीब 5:40 हुई है, तो लगभग 40 से 45 मिनट में हम दर्शन कर आ गए। भीड़ अब बढ़ रही है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जो सोने की द्वारका पावन धाम जो है ये बस भेट द्वारका जब मंदिर का जो है वो एक डायरेक्शन में है तो ये बस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। समय के अभाव में हमने इसे स्किप कर दिया क्योंकि हमें द्वारका मंदिर के दर्शन भी करने थे। हम अब जा रहे हैं नागेश्वर मंदिर और रास्ते में था यह गोपी तालाब। गोपी तालाब एक छोटी सी झील है। कहते हैं जब कृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारका में शिफ्ट कर दी थी तो गोपियां उनका वियोग सहन नहीं कर सकी। वे उनसे मिलने द्वारका आई और शरद पूर्णिमा के दिन रास रचाया। रासलीला के बाद उन्होंने इस भूमि की मिट्टी को अपना जीवन समर्पित कर दिया और भगवान कृष्ण में विलीन हो गई। यहाँ की मिट्टी पीले रंग की है और लोग कहते हैं यह गुणकारी है और गोपी चंदन के नाम से यह मिट्टी मशहूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका और भेट द्वारका के रास्ते में पड़ता है यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें स्थान पर स्थित है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति करीब 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। इसकी वजह से यह मंदिर 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगता है। मान्यता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव अपने भक्तों की सांपों से रक्षा करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की कथा स्कंद पुराण समेत कई अन्य पुराणों में और ग्रंथों में भी मिलती है। सुप्री नामक शिव भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने राक्षसी दारुका का अंत किया और यहां शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। तभी से इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा होती है। एक और कथा के अनुसार नागेश्वर का मतलब नागों का ईश्वर या नागों का देवता वासुकी है जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहता है। मान्यता के अनुसार मंदिर में दर्शन करने से मात्र सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति यहां प्राप्त की जा सकती है। ऐसा शक्तिशाली भगवान शिव को समर्पित है यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। लगभग 8:35 हो चुके थे और मंदिर बंद होने का समय भी निकट आ रहा था। मानना पड़ेगा इन ऑटो वाले भाई को जिन्होंने पूरी स्पीड से सेफली और टाइम पर हमें यहाँ पहुँचा दिया। इनका नंबर और डिटेल्स मैं थोड़ी देर में देता हूँ। यहाँ से रास्ता पैदल तय करना पड़ेगा। भीड़ को चीरते और हम फटाफट मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। संकड़ी गलियाँ मुझे ऋषिकेश के गंगा घाट के मंदिर की याद दिला रही थी। 8:45 बज रही थी और हम मंदिर लगभग पहुँच गए हैं। भीड़ काफ़ी है, मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। दर्शन हमारे हो गए हैं। 9:30 मंदिर के गेट भी बंद हो जाते हैं। देखिए इस टाइप के जो छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे प्रसाद के नाम पे एक्चुअली मोबाइल रखा जाता है और अंदर मंदिर के अंदर तो प्रसादी अलाउड नहीं है बस, लेकिन मोबाइल के रखने के लिए आपको जगह चाहिए तो बस आपको ये प्रसाद लेना पड़ता है। प्रसाद का चार्जेस का मैंने दिया करीब 200 रुपये, बट दर्शन करने थे हमें, वो मुख्य कारण था। यहीं पर यह भोजन प्रसादालय भी था। भोजन की चिंता तो आपको बिल्कुल नहीं करनी होगी, आप शुद्ध देसी खाना भरपेट खा सकते हैं इधर मात्र 30 रुपये में।
जब तक दान दक्षिणा चढ़ती है तब तक यह पंडित जी बड़ी चाव से आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। अच्छे भोजन के बाद टाइम अब थोड़ी शॉपिंग का। दिन अच्छा गया, सारे दर्शन अच्छे से हो गए। इसी कृष्णा संगार के सामने यह बाइक रेंटल की दुकान थी। सुबह 9 बजे से शाम 10 बजे तक ₹500 एक्टिवा का चार्जेस है। हमने इन ऑटो वाले भाई धनाबा को टोटल ₹2,500 दिए 5 से 6 पॉइंट्स घूमने के लिए द्वारका में। हम टोटल 10 लोग थे इस ऑटो में। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जो आखिरी चीज हमारे लिए द्वारका में देखने के लिए बाकी है वह यह जैन मंदिर। यह है द्वारिका नेमिजिन तीर्थ। मंदिर बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत और खास तौर पर इस सफेद मार्बल पर गिरती या रंग बिरंगी लाइट तो इसे और भी खूबसूरत बनाती है। यह थोड़ा शहर से दूर पड़ जाता है और यहां से ऑटो शहर की तरफ मिलना मुश्किल है। बेस्ट इज टू विजिट इफ यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट। मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के मूल नायक भगवान नेमिनाथ जी हैं। उनकी अत्यंत ही खूबसूरत प्रतिमा है यहाँ। मंदिर के चारों तरफ बड़े ही सुंदर छोटे छोटे 52 जिनालय बनाए गए हैं। अंदर पूरा व्हाइट एनामल पेंट से पेंट किया गया है। मैं लेवन आई थी तन्ने, तू ले बैठी मन्ने, अब तू छोड़े ला मन्ने, मैं नहीं छोड़ूंगा तन्ने। कितनी सही बात है, जिसका एक बार मन रम जाए तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ट्रैवल या सफर भी वैसा ही है, हर समय एक नई जगह की तलाश और कुछ नया सीखने का मौका। यहाँ पर भोजनशाला और धर्मशाला की बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो होगा बलेज जैन तीर्थ पर।